प्रभु नित्यानंद और प्रभु चैतन्य वार्तालाप करते हुए। नित्यानंद, मैं कामना करता हूँ कि तुम प्रभु के पवित्र नामों का प्रचार करो। मैं निश्चित रूप से कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार करूँगा। प्रभु नित्यानंद तुरंत ही प्रभु के नामों का प्रचार करने निकल पड़ते हैं और वे एक स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक बालक पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखता है। वे उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्यों छिप रहे हो? बालक उत्तर देता है, तुम भी छुप जाओ, जगाई और मधाई वहाँ पर है। जगाई और मधाई बहुत बड़े पापी है, उन दोनों से दूर रहना ही बेहतर है। यह जगाई और मधाई वे क्या करते हैं कि तुम कहते हो कि वे पापी हैं? वे शराब पीते हैं, वे गायों को खाते हैं और वे घर जलाते हैं। ऐसे कोई पाप नहीं है जो जगाई और मधाई ने नहीं किया हो। अच्छा, ऐसी बात है। यदि मैं जगाई और मधाई को भगवान का पवित्र नाम दे दूं, तो प्रभु चैतन्य निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। मैं अभी जाऊंगा और उन्हें कृष्ण का पवित्र नाम दूंगा। प्रभु नित्यानंद तुरंत ही जगई और मधई के पास पहुंचते हैं, पर वे दोनों मदिरा पान में तल्लीन होते हैं। प्रभु नित्यानंद उनसे कहते हैं, कृपया मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह के पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बर्बाद ना करें। नारकीय पीड़ा आपका इंतजार कर रही है, कृपया कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करें। यह सुनकर मधाई क्रोधित हो जाता है और अपने पास पड़ी मदिरा की बोतल उठाकर प्रभु नित्यानंद के सर पर दे मारता है। प्रभु नित्यानंद के सर से रक्त बहने लगता है, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण वे इसे सह लेते हैं। प्रभु नित्यानंद कहते हैं, यह दर्द नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से आप पीड़ित हैं, वह मुझे और अधिक दर्द दे रहा है। कृपया कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करें। अपने प्रिय भक्त पर अपराध होते देख प्रभु चैतन्य वहां तुरंत उपस्थित होते हैं। वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। वे जगई और मधई पर सुदर्शन चक्र चलाने ही वाले होते हैं कि प्रभु नित्यानंद उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपया जगई और मधई को छोड़ दे। अपने प्रिय भक्त की प्रार्थना सुनकर प्रभु चैतन्य अपने सुदर्शन चक्र को वापस ले लेते हैं। यह सब देखकर जगई और मधई काफी भयभीत हो जाते हैं और अपने गलती की क्षमा याचना करने लगते हैं। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम नित्यानंद से उसकी दया और क्षमा मांगोगे। दया के सागर प्रभु नित्यानंद जगई और मधई को तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। प्रभु नित्यानंद और प्रभु चैतन्य की अकारण दया पाकर जगई और मधई महान भक्त बन जाते हैं और कृष्ण के पवित्र नामों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ये अद्भुत लीला यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्ण।